लड़कियों को गुलाब दिया होगा, आज गुलाब पी करके कैसा लगा? पान खाया था, आज पहली बार पान पिया है। मैम एक्चुअली मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए घूमने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे किसी ने बताया था मेरे को कि चाय वाला है, तो मैं ट्राई करने के लिए आया हूँ। वैसे चाय तो मैंने बहुत पी है, पर यहाँ पे आज पहली बार पान फ्लेवर चाय पी है, बहुत ही जबरदस्त बनाई है। आप भी आओ और पी के जाओ। कि इस ठेके के अंदर चाय ऐसी क्या मिलती है कि यहाँ पर आने के जो है लोग दीवाने हैं। चॉकलेट का फ्लेवर, इसके अलावा मैंगो का फ्लेवर, इसके अलावा ये चाय पत्ती है, आपको बता देती हूँ, ये रोज का फ्लेवर, ये देखिए, आपको दिखाना चाहूंगी ये एक बार पास से। इसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ भी आपको शायद थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा पान, ये देखिए पान, आपको बता देती हूँ कि 8000 रुपए किलो वाला केसर जो है सिर्फ 15 रुपए की चाय के अंदर दिया जाता है। लोग जो है नशा करने के लिए ठेके पे जाते हैं। तो चाय का ठेके का आइडिया कैसे आया? लौंग है, जायफल है, दालचीनी है, और भी इसके अलावा जो है पांच चीजें मैंने आपको बताई, उसके अलावा चार चीजें और भी हैं जिनसे मसाला चाय जो है मतलब तैयार होता है, और ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर चाय पीने के लिए भी आएंगे ना, तो पहली बात तो बारी नहीं आती, और दूसरी बात ये एक बार पी लेंगे ना, उसके बाद बारी तो छोड़िए, आप दो घंटे भी यहाँ इंतजार करके जाएंगे। चॉकलेट, केसर और जी के रोज, वलीना सब पी रखे हैं, पर इसका टेस्ट अलग है। क्या यहाँ पर आकर के नशा करके जाते हैं? क्या चाय के अंदर कुछ मिलाया जाता है? तो आपको बता देती हूँ, जी हाँ, चाय के अंदर मिलाया तो जाता है। हाँ भाई हिसार वासियों, कभी ठेके के ऊपर गए हो? कभी सुना है कि कोई महिला ठेके के ऊपर जा रही है? तो आज मैं आपको एक ऐसा ही ठेका दिखाऊंगी जहाँ पर बच्चों से लेकर के बूढ़े तक आते हैं। आपने सुना होगा कि लोग नशा करने के लिए ठेके के ऊपर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान नशा उतारने के लिए ठेके के ऊपर गया हो? जब भी काम करते करते उबासी आने लगे, बोर हो रहे हो, तो भाई चलो ठेके के ऊपर चलते हैं। आखिरकार ये ठेका है कौन सा? तो आपको बता देती हूँ कि हरियाणा की आन बान शान, चाय का नाम तो सुना ही होगा, तो चाय के ठेके के ऊपर आज आपको लेकर के आई हूँ। और ये चाय का ठेका आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके का है। ये देखिए, सिटी चाय ठेका। पहली बार आपने सुना होगा कि ठेका चाय का भी होता है, हालांकि चाय का ठेका तो है, लेकिन ये किस तरीके का ठेका है? क्या यहाँ पर आकर के नशा करके जाते हैं? क्या चाय के अंदर कुछ मिलाया जाता है? तो आपको बता देती हूँ, जी हाँ, चाय के अंदर मिलाया तो जाता है, लेकिन नशा नहीं मिलाया जाता, जो है फ्लेवर मिलाया जाता है। फ्लेवर किसका मिलाया जाता है? जो भी आपको पसंद हो, चाहे आम आपको पसंद हो, चॉकलेट आपको पसंद हो, केसर आपको पसंद हो, मसाला आपको पसंद हो, सबके फ्लेवर आपको चाय के अंदर मिलने वाले हैं। और ये हरियाणा का सबसे पहला आउटलेट है। आज तक चाय तो बहुत देखी होंगी, तो चलिए आपको इसी ठेके के ऊपर लेकर के चलती हूँ कि इस ठेके के अंदर चाय ऐसी क्या मिलती है कि यहाँ पर आने के जो है लोग दीवाने हैं। तो आपको बता देती हूँ, नॉर्मल चाय आपने देखी होगी, रेगुलर चाय के अंदर चाय पत्ती होती है, चीनी होती है, दूध होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पीने में स्वाद तो बहुत आता है, लेकिन पी पी कर पक गए हैं। तो आपको आज एक ऐसे ठेके के ऊपर लेकर के आई हूँ जहाँ पर रेगुलर और स्ट्रोंग दोनों तरीके की चाय मिलती है, और चाय के अंदर खास बात है यहाँ के फ्लेवर। तो चलिए आपको लगातार सिटी चाय ठेके के ऊपर लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि भाई ये चाय जो है मनाई कैसे जाती है। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख पा रहा होगा फ्लेवर जो है अलग अलग तरीके, एक बार दिखा देती हूँ। आज तक नॉर्मल चाय पत्ती देखी होगी, लेकिन ये देखिए चाय, ये चाय पत्ती है। इसके अलावा आपको दिखा देती हूँ कि ये भी चाय पत्ती है। इसके अलावा फ्लेवर्स आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए चॉकलेट का फ्लेवर, इसके अलावा मैंगो का फ्लेवर, इसके अलावा ये चाय पत्ती है, आपको बता देती हूँ, ये रोज का फ्लेवर, ये देखिए, आपको दिखाना चाहूंगी ये एक बार पास से। इसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ भी आपको शायद थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा पान, ये देखिए पान, पान का फ्लेवर भी आपको दिखा देती हूँ। अब बात आती है वनीला फ्लेवर की। इसके बाद जो है अलग अलग मसाला चाय भी यहाँ पर है, इसके अलावा केसर चाय भी यहाँ पर है। केसर की अगर बात की जाए तो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि केसर पीने से जो है ना स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन इतना महंगा केसर लाए तो लाए कहाँ से। तो हमारे यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 8000 रुपए किलो वाला केसर जो है सिर्फ 15 रुपए की चाय के अंदर दिया जाता है। अब बात आती है
कि सिटी चाय ठेके की शुरुआत कैसे हुई, किसके दिमाग का ये आइडिया था और कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने हिसार के अंदर सिटी चाय ठेका शुरू किया है, एक नॉर्मल चाय से अलग चाय यहाँ पर शुरू किया है। तो चलिए आपको उन्हीं व्यक्ति के पास लेकर के चलती और दिखाती हूँ कि इस चाय को शुरू करने के पीछे का कारण क्या था। तो मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद है, मुझे ये बताइए आपकी ये सिटी चाय ठेके की शुरुआत कहाँ से की, कैसे पता लगा कि चाय जो है उसकी फ्लेवर्स भी आते हैं और ठेका नाम कहाँ से रखा? एक्चुअली क्या था कि मैं आज से 7-8 महीने पहले मैं जयपुर में गया था जी। तो वहाँ मैंने जो है एक फ्लेवर वाली चाय पी थी, उसमें ये लगभग सारे ही फ्लेवर थे तो मुझे बहुत पसंद आई वो चाय। फिर मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में भी मैंने ऐसी मतलब फ्लेवर चाय वाली पी तो मैंने तो मुझे अच्छा लगा, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना अपने हिसार में भी जो है इस तरह की चाय लाई जाए। ठीक है, अगर बात की जाए लोगों की तो आपको बता देते हैं कि लोग जो है नशा करने के लिए ठेके पे जाते हैं, तो चाय का ठेके का आइडिया कैसे आया? ये एक्चुअली क्या है, जैसे अपने हरियाणा में क्या है ठेका जो है एक्चुअली शराब के लिए ही यूज होता है, लेकिन मेरे माइंड में है कि क्यों ना इसको जो है चाय का ठेका नाम दिया जाए। इस मतलब की कंसेप्ट को हमने, ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी थी तो मैंने उसके बेस पे जो है इसको अपना एक शहर का जो है चाय का ठेका, सिटी चाय ठेका, इसलिए मैंने इसका नाम ये रखा। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ अगर नशे की बात की जाए तो नशे तो बहुत करते होंगे, लेकिन हरियाणा वासियों का, हरियाणवियों का नशा जो है अपना खुद का ही होता है। जब तक हुक्के के साथ चाय ना पीना, जब तक हुक्का गुड़गुड़ाने के साथ साथ चाय ना पिए तब तक मजा नहीं होता गोसिप करने का। तो इसी के साथ जो है चाय की शुरुआत की गई। तो चलिए आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलती और दिखाती हूँ कि चाय की शुरुआत कैसे की गई। मुझे ये बताइए ये फ्लेवर्स जो है अलग अलग रखे गए, इनके अंदर क्या अलग है? ये जैसे अब ये रोज का है, ये कंपनी से ही जो है चाय पत्ती के अंदर ये मतलब की फ्लेवर मिक्स है इसके अंदर ही, वहीं से ये मतलब ऐसे ही आता है। हम इसको जो हमला यूज करते हैं फिर उसमें रोज चाय बनाने में। ये जैसे चोको है, चॉकलेट का है, तो चाय पत्ती के अंदर ही जो है ये फ्लेवर है। ऐसे ही ये देखिए आप, ये हमारे पान का है तो आप ये देख रहे होंगे इसके सौंफ है, जैसे गुलाब की पंखड़ियां हैं और भी कई चीज़ें कंपनी ने इसमें मिक्स करके हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि हम पान मतलब पी रहे हों, पान पी रहे हों। ऐसी जैसे कि रोज में क्या आता है कि हम शाही गुलाब पी रहे हों, शाही गुलाब उसका टेस्ट आता है बिल्कुल। मैंगो में जैसे पूरा ये अपना जैसे एक मैंगो का अपना टेस्ट आता है मैंगो चाय में। और जैसे ये वनीला, वनीला सबने आइसक्रीम खाई हुई है तो जो वनीला का जानते हैं टेस्ट और सभी जानते हैं, तो पूरा वनीला का टेस्ट आता है और लोगों ने बहुत लाइक किया है और हमारे सारे फ्लेवर जो हैं बहुत ही मतलब रिपीटर मतलब हो रहे हैं और काफ़ी ऐसे कस्टमर हैं जो मतलब कि सबके सब 9 के 9 फ्लेवर हमारे जो है टेस्ट कर चुके हैं, कोई 4 कर चुका है, कोई 5 कर चुका है और काफी ऐसे जो 9 के 9 फ्लेवर हमारे टेस्ट कर चुके हैं मतलब। ठीक है, अगर बात की जाए इसके अलावा और फ्लेवर्स की तो आपको रेट सिखा देती हूँ। पान 12, मैंगो 12, चॉकलेट 12, केसर 15, रोज 12, वेनिला 12, काजू 20, मसाला चाय 12, अदरक इलायची चाय 12। और भाई जान करके आप लोग हैरान रह गए होंगे कि इतनी सस्ती चाय आखिरकार मिल कैसे रही है, तो आपको बता देती हूँ कि हिसार के अंदर पहला आउटलेट है, हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर ये पहला आउटलेट है और इसकी वजह से इतने सस्ते दाम के ऊपर आपको चाय मिल पा रही है। नॉर्मल चाय आपने देखी होगी और दुकान के ऊपर आप चाय पियेंगे तो लगभग 10 से 12 रुपए की कॉस्टिंग आती है, लेकिन इस चाय की बात की जाए तो मसाले के साथ साथ जो है नॉर्मल चाय का भी आपको जो है कहीं ना कहीं स्वाद दिखाई देगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर केसर की बात की जाए तो केसर जो है बहुत महंगा आता है, लगभग 8,000 रुपए किलो के लगभग का केसर है, जिसे हम सुनते हैं कि हिमाचल से लाया जाता है, यहाँ से वहाँ से उगाया जाता है, तो इतना सस्ते दाम के ऊपर कैसे चाय अवेलेबल है? अभी ऐसा है मैडम कि हम एक नया स्टार्टअप है हमारा, ये हरियाणा के अंदर भी और हिसार के अंदर भी, और यहाँ पर क्या है कि चाय का रेट जो है 10 रुपये मतलब कि नॉर्मल रेट है, तो हमें ये सोचा कि यदि हम इसको रेट को ज़्यादा बढ़ा के सेल करेंगे चाय को तो इतने कस्टमर जुड़ नहीं पाएंगे हम, इसीलिए हमने जो उसको इस रेट में रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आके इसको टेस्ट कर सकें। बट अब जैसे केसर चाय है, केसर चाय में क्या है, ये कश्मीर के 5 फूल हैं, ठीक है, और उसमें से एक फूल है केसर का फूल है, उनसे जो है ये केसर का मसाला तैयार किया जाता है। ये देखिए आप, ये केसर का मसाला तैयार किया जाता है उन 5 फूलों से, और ये हमें जो है 8,000 रुपये केजी मिलता है कंपनी से, और ये हम चाय के अंदर जब बनाते वक्त इसमें डालते हैं, उसके बाद जब चाय बन जाती है केसर की
तो ऊपर से हम जो है ये बेबी ब्रांड का जो है केसर आता है, जिसका आप अमेजोन पे भी रेट पता कर सकते हो। तो लगभग ये 160-170 रुपये जो है का है, एक ग्राम केसर है ये। हम जो है उसमें डालते हैं केसर, चाय बनने के बाद ऊपर से डालते हैं, और बहुत ही अल्टीमेट जो है मतलब फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है केसर चाय का। ठीक है, अगर रेट्स की बात की जाए तो सबसे महंगी मुझे यहाँ पर काजू चाय दिख रही है, भाई ऐसा क्या है काजू चाय के अंदर? ये काजू चाय में क्या है कि ओरिजिनल जो जैसे काजू होता है उसका पाउडर, उसका पेस्ट बना के कंपनी से हमें मिलता है, ओरिजिनल बिल्कुल काजू है, हम उसमें ये डालते हैं। ठीक है, अगर अदरक इलायची चाय की बात करें तो इसके अंदर क्या अलग है? इसके अंदर तो देखो अदरक है और इलायची। ठीक है, अगर मसाला चाय की बात करूँ तो ऐसे कौन से मसाले हैं इस चाय के अंदर जो इसका नाम मसाला चाय रखा है? इसमें क्या है कि अदरक इलायची तो है ही, उसके अलावा जो है लौंग है, जायफल है, दालचीनी है, और भी इसके अलावा जो है पांच चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उसके अलावा चार चीज़ें और भी हैं जिनसे ये मसाला चाय जो है मतलब तैयार होता है, और ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि एक तो हमारी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, तो इसको मेरे कस्टमर ने बहुत लाइक किया है, तो बहुत अच्छा मतलब ये मसाला चाय है। ठीक है, आप लोग देख भी पा रहे हैं कि अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ जो है बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की, कितने बजे ये ठेका खुलता है और कितने बजे तक चलता है? टाइमिंग इसके ऐसे है मैडम कि ये 8:30 बजे शुरू सुबह खुल जाता है और रात के 9-9:30 बजे तक ये मतलब ओपन रहता है ये। ठीक है, एक बार एड्रेस बता दीजिए फटाफट। एड्रेस ये जो है अपना, ये है अपना PLA मार्केट में जो है अपना पेट्रोल पंप है, उसको चाहे यूं भी कह सकते हो कि ये कैम चौक का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर ये शोरूम्स हैं, जैन ज्वेलर्स वगैरह हैं और मोंटी कार्लो का शोरूम है, बिल्कुल उनके सामने ही हमारा ये काउंटर है, तो ये लोकेशन है हमारी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि राजमहल कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल PLA के जो भी ये ब्रांडेड शोरूम्स आप देख पा रहे हैं और जैन ज्वेलर्स इसके अंदर खास है, बिल्कुल इसके सामने आपको यहाँ चाय का ठेका मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ कस्टमर्स भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है जो चाय पीने के लिए आते हैं। सर, आपको चाय कैसे लगती है यहाँ की? मैं फर्स्ट टाइम आया एक्चुअली। अच्छा, कौन सा फ्लेवर की चाय पी रहे हैं? रोज। कैसी लगी? अच्छी है। अच्छा, आज तक तो लड़कियों को गुलाब दिया होगा, आज गुलाब पी करके कैसा लगा? ये एक्चुअली ऐसे मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ पे फ्रेंचाइजी थी, वहाँ पे चाय सुट्टा बार करके और अर्बन देसी ठेका करके एक फ्रेंचाइजी है, सेम टेस्ट आता है वो, मतलब वो उन्होंने शोरूम खोल रखा है यहाँ पे, बस ऐसे स्टॉल में हम बना रहे हैं और बाकी सब टेस्ट वगैरह सब सेम है। अच्छा, अच्छी लगी? हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। क्योंकि आपको बता देती हूँ कि इनकी अभी तक कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है, हालांकि सर अभी अभी आपने जो है ये हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर पहली बार फ्लेवर चाय का सिस्टम शुरू किया है, इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो क्या आगे आप फ्रेंचाइजी भी देंगे? बिल्कुल, हम 1-1.5 महीने बाद जो है फ्रेंचाइजी भी देंगे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। हमारे बहुत मतलब कि लोगों ने चाय को पसंद किया है और कई हमारे पास कस्टमर आ चुके हैं हरियाणा से, कोई रिवाड़ी से, कोई अम्बाला से, सिरसा से, जो फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने डिमांड की थी, तो हमने ये कि 1-1.5 महीना रुक जाओ, उसके बाद हम फ्रेंचाइजी भी देंगे ऑल ओवर इंडिया। हमारे पास एक परसों ही जो है लखनऊ से भी आए थे कस्टमर, यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, तो हमने कहा कि आप थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद हम फ्रेंचाइजी देंगे, क्योंकि उनको हमारी चाय सभी को कस्टमर को बहुत पसंद आ रही है। अच्छा, अगर कंपनीज की बात की जाए तो ये किस कंपनीज के फ्लेवर जो है आप लोग मंगवाते हैं या फिर आपके खुद के ही कहीं ना कहीं जो है कॉन्टैक्ट के अंदर है वो कंपनी? ये हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर ही है, ये एक्चुअली MP की कंपनी है, वहीं से हमारे मतलब ये फ्लेवर आते हैं चाय पत्ती के अंदर ही, वहीं से मंगवाते हैं। ठीक है, लगभग कितने लोग जो है दिन भर में आपके पास आ जाते हैं? अभी मैडम ऐसे है कि हमारे को लगभग, हमने 2 तारीख को नवंबर को शुरू किया था धनतेरस वाले दिन, तो बीच में जैसे दिवाली वाले दिन थोड़ा जल्दी हमने छुट्टी कर दी थी और विश्वकर्मा वाले दिन हमारा काउंटर बंद रहा था, फिर एक दो दिन हमारा कारीगर हमारे बीमार रहा। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ कि इनके ठेके के ऊपर जो है ना 20-15 लोग जो है अक्सर बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर चाय पीने के लिए भी आएंगे ना तो पहली बात तो बारी नहीं आती और दूसरी बात यह एक बार पी लेंगे ना उसके बाद बारी तो छोड़िए आप 2 घंटे भी यहाँ इंतजार करके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो फ्लेवर चाय का है जब पीने के बाद भी जो है एक जीप पे जो है आधा घंटा उसका फ्लेवर बना रहता है, आधा घंटे तक उसको फील होता रहता है कस्टमर को कि हाँ कुछ पिया है,
और वो चलता रहता है आधे घंटे तक उसका फ्लेवर का टेस्ट। ये देखिए भाई, अब तक तो मैंने सुना था कि कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसका टेस्ट चढ़ा रहता है, लेकिन पहली बार पता लगा है कि चाय का भी टेस्ट चढ़ा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एड्रेस जो है बिल्कुल अच्छे से बता देती हूँ आपको, एक बार मेरे पास आइए आपको अच्छे से एड्रेस बताती हूँ। जैसे ही आप लोग बिल्कुल PLA मार्केट के सामने आएंगे तो अंबा ज्वेलर्स आपको दिखाई देगा। अंबा ज्वेलर्स के साथ में सिटी बिग न्यूज का ऑफिस है और इसके सामने ही बिल्कुल आपको जैन ज्वेलर्स और राजमहल कॉम्प्लेक्स के बीच के अंदर सिटी चाय ठेका दिखाई देगा। पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे आते ही, और इसे जो है एक तरीके से PLA की ब्रांड शोरूम्स की पार्किंग भी कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे ब्रांड ही ब्रांड के शोरूम्स है। भैया देखिए, यारों की टोली यहाँ पर खड़ी है, इनसे भी पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं, क्योंकि मैंने आपसे बातचीत की तो लग नहीं रहा आप हिसार से हैं। मैं एक्चुअली फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए घूमने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे किसी ने बताया था मेरे को कि चाय वाला है, तो मैं ट्राई करने के लिए आया हूँ। वैसे चाय तो मैंने बहुत पी है, पर यहाँ पे आज पहली बार पान फ्लेवर चाय पी है, बहुत ही जबरदस्त बनाई है, आप भी आओ और पी के जाओ। अच्छा, आप बताइए कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत बढ़िया लगी चाय। अच्छा, पहले कौन कौन सी फ्लेवर चाय ट्राई? देखो जी, चॉकलेट, केसर और जी के रोज, वलीना, सब पी रखे है, पर इसका टेस्ट अलग है। अच्छा, आप बताओ कि पान चाय बहुत अच्छी लगी। अच्छा, नॉर्मल चाय से इसका टेस्ट कैसे अलग है? ये पान खाया था आज, पहली बार पान पिया है। चॉकलेट तो पहले पी के देखी है, लेकिन आज पहली बार पान पिया है। सिटी चाय ठेके की एक खास बात बताऊं, यहाँ पर जितने भी लोग आपको भीख मांगते हुए दिखते होंगे ना, वो खास तौर के ऊपर इनकी चाय पीने के लिए आते हैं। मैं जान करके हैरान रह गई जब गुब्बारे वाले को देखा, या फिर एक दो बच्चे यहाँ पर आए मेरे से भी भीख मांगी और कह रहे थे कि भाई मुझे तो इनकी चाय पीनी है, सिर्फ इसलिए पैसे दे दो। बेटा कैसी लगती है इनकी चाय? बहुत अच्छी बनाता है ये सचिन भैया, इसीलिए पैसे लेते हैं ताकि इनकी चाय पी सके। 12 रुपए जब भी मांगते हैं ये इसकी चाय पी सकते हैं अच्छी सी। अच्छा क्या, अच्छा कितनी चाय आपने अभी तक टेस्ट की है? इसकी दो ही करी अभी से, एक रोज वाली, एक वो काले की कॉफी वाली। अच्छा, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? दोनों अच्छी लगी दीदी, दोनों अच्छी लगी। अभी और पैसे मांग करके और भी चाय टेस्ट करोगे? मजा बहुत आ रहा है चाय पीने के अंदर। आपने मुझे देखा चाय पीते हुए, मैं तो आज पहली बार आई थी, यहाँ से गुजर रही थी, मेरे सहयोगी ने कहा कि चलो मैं आपको एक चाय पिलाता हूँ, बहुत ही अनोखी चाय है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है चाय के अंदर। जब मैंने यहाँ पर आकर के चाय पीना, हैरान रह गई, दंग रह गई। अभी भी फ्लेवर जो है ना, जुबान ही नहीं बल्कि पूरे पूरे के पूरे शरीर के ऊपर चढ़ के डोल रहा है मेरा। तो मुझे बहुत मजा आया इतने सस्ते रेट के अंदर। अगर आप लोग भी चाय पीना चाहते हैं तो जरूर आइए PLA के ब्रांड शोरूम्स की पार्किंग में, बिल्कुल जैन ज्वेलर्स के सामने चाय का ठेका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाती रहूंगी आपके हिसार के अंदर क्या कुछ नया नया मिल रहा है। तब तक यहाँ पर आइए, चाय ट्राई करके जाइए, क्योंकि 10 से 12 रुपए कोई महंगी चीज नहीं है। वहीं आप लोग किसी कैफे में जाते हैं तो 100-100 रुपए लुटा करके आते हैं एक चाय के ऊपर, जबकि उसका कोई टेस्ट भी नहीं आता। हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और मजा भी आने वाला है। नमस्कार।